अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी इन गुड हेल्थ। सो टुडे वी विल स्टार्ट द वर्क इन आवर नोटबुक, सो काइंडली टेक आउट योर नोटबुक। ओके, एज वी हैव स्टडीड अबाउट पोल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज, सो टुडे वी विल स्टार्ट द वर्क। मेंशन द पेज नंबर, डे, क्लास वर्क एंड डेट। चैप्टर 3 एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक्सरसाइज, वी हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज, व्हाट आर इट्स कॉजेज। सो द आंसर इज इट इज अ चेंज इन वेदर पैटर्न्स। एज आई टोल्ड यू दैट क्लाइमेटिक चेंज इज अ चेंज ऑन सीजनल बेस, इट इज नॉट ऑन डेली बेसिस। व्हेन दैट चेंज लास्ट फॉर एन एक्सटेंडेड मीन्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज कैन बी कॉज्ड बाई सेवरल फैक्टर्स, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स लाइक वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द रेज ऑफ सन, प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स अंडर द अर्थ, वॉल्केनिक इरप्शंस मीन्स वेन द वॉल्केनो इरप्ट्स इट गिव्स आउट लावा विच इज़ वेरी हॉट, इट ऑल्सो कॉज द चेंज इन क्लाइमेट। बट द मोस्ट डेंजरस फैक्टर कॉजिंग द क्लाइमेटिक चेंज इज अवर इंटरेक्शन विद अवर एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाउ ह्यूमन्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट, दे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस, फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन थ्रू स्मोकिंग, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन ऑल्सो कॉज, लाइक ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट ऑल्सो कॉज क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, लाइक हाउ दिस चेंज इन क्लाइमेट कैन अफेक्ट अस और अवर एनवायरमेंट। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इंक्लूड राइजिंग सी लेवल्स, फॉर एग्जाम्पल वेन ग्लेशियर्स मेल्ट एंड दे द वाटर गोज इन टू द रिवर और सी, सो द सी लेवल राइजेज, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, एज आई टोल्ड यू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, वार्मिंग ऑफ ओशन सर्फिस, फॉर एग्जाम्पल इफ द टेम्परेचर इज वेरी हॉट सो इट कैन कॉज द वार्मिंग ऑन द अपर सर्फिस ऑफ ओशन, rising maximum temperatures, rising minimum temperatures, higher ocean temperatures, etc. For example, there are different effects which are caused by climatic change. Now open your textbook, geography book. Now this is your homework task. For example, look at this picture. This question number 7 is your homework. Look at the picture below and answer the following questions. For example, question number 1 is what are the causes of this type of pollution, like as you can see this is land pollution, so you have to write your own points, like what are the causes of land pollution, for example which factors cause land pollution, for example if we throw garbage on the land, as you can see this is garbage on land, so this can cause land pollution, so you have to write different causes. Number 2, list 2 things you see in the picture. Now this is your task, that you have to write the name of 2 things which you can see in this picture. Third question is what may be the effects of such pollution, like if we can there is land pollution, so what will be the effect of such type of pollution, for example it can harm us and it can cause different type of germs in our environment, and so you have to write different points. And last point is think of the ways to reduce this type of pollution, for example how we can reduce this type of pollution, like land pollution, for example we can recycle the waste material, and if we do not throw such type of material, so it will not cause land pollution. So you will write your own points in your notebooks. Okay, you have to write answer of these 4 points in your notebooks. Okay, so this is your task and I think this is clear to you, and this is enough for today. Thank you so much, my dear students. Allah Hafiz.